हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम है सौरभ सर और आज की इस दूसरी ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ और एक ब्यूटीफुल वाटर कलर पेंटिंग इन जस्ट फ्यू स्टेप्स। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले इस ड्राइंग का मतलब समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस सीन में कि मैंने एक आँख बनाया है जिसके अंदर एक डिस्ट्रक्टेड या पोल्यूटेड सिटी है और उस आँख से आंसू गिर रहे हैं उस सिटी के सीन को देखकर। तो ये मैंने खुद कंपोज किया है और इसको आप कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप पोल्यूशन, क्लीन इंडिया, सेव इन्वायरमेंट जैसे टॉपिक्स के लिए आप इसे बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा सीन है और इसे आप बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए ड्राइंग पे आते हैं। तो ड्राइंग ये बहुत ही इजी है क्योंकि बस एक आँख बनाना है। सबसे पहले हमने प्यूपिल के राउंड शेप को कवर किया, तो प्यूपिल बनाने के बाद बहुत ही आसान हो गया। उसके बाद हमने बस बॉर्डर से एक आँख की जो सिंपल आउटलाइन है वो बना लिया। कुछ मुश्किल नहीं है, आप आसानी से बना लेंगे। कोई भी रेफरेंस यूज़ कर लीजिए या तो मेरी फ़ोटो को देख के कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट है प्यूपिल के अंदर का जो सिटी है उसे हमें बनाना है। तो वो मैंने कोई भी अपने मन से एक रफ पोल्यूटेड सिटी का सीन बना लिया। आप कोई रेफरेंस से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास बेस आउटलाइन आ चुका है। तो बेस आउटलाइन आ जाने के बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है कलरिंग। तो कलरिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्टिस्ट वाटर कलर फ्रॉम कैमलिन और कुछ नेचुरल ब्रशेस जो कि मेरे पास है। आप सिंथेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरा पेपर है आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर बाय कैंसन। तो सबसे पहले मैंने पूरे पेपर में वाटर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया ताकि एक इवन और एक स्मूथ बैकग्राउंड हमें मिल सके। एक स्मूथ बैकग्राउंड के लिए हमने सबसे पहले ऑकर येल्लो को मिक्स करके पूरे बैकग्राउंड में फैला दिया एक बेस लेयर के लिए। तो हमारा जैसे ही एक बेस लेयर सेटअप हो जाएगा, ऑकर येलो से हमने बेस लेयर बना लिया। उसके बाद हम उसी जब वो कलर भीगा है उसी में एक पिंकिश रेड को हम स्प्रेड कर देते हैं ताकि एजेस पे स्प्रेड करने के बाद वो एक राउंड फील भी दे और हमारे स्किन का कलर भी उभर के आए और ब्राइट लगे। तो उसके साथ साथ जो आई के नीचे का बल्ज है और ऊपर का बल्ज है जो कि हमारे आईलिड्स को बनाते हैं, उसमें भी मैंने ब्रश से बस एक दो पिंक कलर का स्ट्रोक मारा ताकि वो एक अच्छा राउंड शेप दे अपने आई को। ये बस फर्स्ट लेयर है, इसके बाद हम उसमें सेकेंड लेयर भी करेंगे लेकिन वो बाद में। तो ये ख़त्म होने के बाद आता है हमारा दूसरा काम जो कि है हमारे आई के वाइट पार्ट को बनाना। तो एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि हमारे आई का जो वाइट पार्ट है वो कभी भी वाइट नहीं होता, वो हल्का ग्रे, ज़्यादातर ही हल्का ग्रे होता है। तो सबसे पहले हम ग्रे कलर लेते हैं और उसके पूरे एजेस पे अच्छे से मार्क कर लेते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं। ग्रे कलर को हमने लिया था, उसी को हम थोड़ा पानी से लाइट करके हर एक साइड में अच्छे से हल्के से देते जाते हैं और एक राउंडनेस बिल्ड करते हैं। एक राउंडनेस बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो फादर मोस्ट पॉइंट है उस पर सबसे डार्क और जो एकदम मिडिल पे है उस पर तो आप खाली छोड़ दीजिए और बीच का लेयर अच्छे से ग्रेडियंट कर दीजिए ताकि वो एक अच्छा राउंड फील दे पाए अपने आई को। जब ये राउंड फील आ जाएगा उसके बाद हमारा आई काफ़ी रियलिस्टिक दिखने लगेगा। उसके बाद अब आता है जो आई का फ्लैशी पार्ट, जो आई का फ्लैशी एज है जो कि दिखाई देता है। उसके लिए हम बहुत ही आसान है, बस रेड कलर को हल्का सा येलो के साथ मिक्स करके या ऑकर येलो के साथ मिक्स करके हल्का सा पिंकिश कलर फ्लैश टोन बनाते हैं। उसको फिर हल्का सा ब्राउन के साथ हम मिक्स करके पूरे उस पर बॉर्डर करते हैं और थोड़ा सा उसमें डिटेलिंग करके अपने मिडल ब्रश से थोड़ा सा डिटेल करके उसे बहुत ही एक सुंदर लुक दे सकते हैं। उस बल्ज को बनाने के बाद अभी हमारा सेकेंड लेयर आता है आई का। तो सेकेंड लेयर में हमने क्या किया कि जो हमारे आई का जो बल्ज था जो कि आईलिड्स को बनाता है जिस पे हमने हल्का सा पिंक स्ट्रोक मारा था उसको हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि फ्रेश ब्रंड सियाना कलर लिया
ब्रंट सियाना कलर से हमने उसको अच्छे से आउटलाइन किया और उसे अच्छे से शेड कर दिया वाटर कलर से, ताकि एक अच्छा राउंड फील आए और उसके साथ हमारी ड्राइंग में थोड़ी शार्पनेस आए और वो देखने में थोड़ी और अच्छी लगने लगे। ये ख़त्म होने के बाद हमारा आई ऑलमोस्ट बन चुका है, बस मेन पार्ट बाकी है जो कि है हमारा जो प्यूपिल है और आई ड्रॉप। तो प्यूपिल बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो डिस्ट्रक्टिव सीन है उसके लिए जो बैकग्राउंड है उसको हमने येलो कलर से पेंट किया और रेड कलर से उसकी कुछ कुछ जगह पे की, ताकि वो थोड़ा सा और शाम का सीन लगे या पल्यूटेड सीन लगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रंट सियाना में ब्लू मिक्स करके एक डर्टी ब्राउन टाइप का कलर बनाया, जिससे हमने बाकी जो चिमनीज है और जो फैक्ट्रीज है उनमें हमने कलर भरे। तो जब तक ये सूख रहे हैं तब तक हम चलते हैं अपने ड्रॉप पर, क्योंकि ये टीयर ड्रॉप गिर रहा है, इसका एक शेप हमने पहले से इस्टेब्लिश कर चुके हैं। उसमें हम पहले एक जो फ्लैश कलर है हमारा उसके ही एक डार्क शेड को आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन करने के बाद, क्योंकि एक टीयर ड्रॉप ही उस टाइप का होता है कि उसके जो टॉप मोस्ट कॉर्नर में है सबसे ज़्यादा डार्क होता है, एक कास्ट शेडो, एक जो शेडो होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और बाकी पार्ट ट्रांसपेरेंट और फ्लैश से मिलता है कलर। तो उसी तरह से हमने जो टॉप पार्ट है उसमें ब्राउन किया, मतलब ब्राउन ने डार्क किया, और बाकी पार्ट में हमने थोड़ा सा लाइट रहने दिया। और उसकी जो कास्ट शेडो पड़ती है उसमें भी हमने कुछ वैसा ही किया, हल्की सी कास्ट शेडो बनाई हमने उसकी, और एक जो लाइट का जो स्ट्रीक है जो कि हाईलाइट होगा उसका जो स्ट्रीक है उसको भी हमने दिखाया। उसके बाद जब वो हल्की सी सूख जाए आप उस पर वाइट एक्रेलिक कलर से थोड़ा सा हाईलाइट डाल दीजिए और वो आपका टीयर ड्रॉप काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। आप उसको जितना और बनाएंगे उतना वो रियलिस्टिक लगने लगेगा। उसके बाद हम फिर से आते हैं अपने प्यूपिल पे। प्यूपिल पे जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरह से ब्राउन कलर से हमने अपने पूरे सीन के जो हाउसेस है और बाकी पार्ट को कर लिया। हल्के ब्लू कलर से हमने रिवर को भी कर लिया। उसके बाद हम थोड़ी और डार्क कलर लेते, हमने अपने जो प्यूपिल के जो डार्क स्पॉट, हमारा जो आई का डार्क स्पॉट है उस पर हमने पूरी तरह से ब्लैक टाइप का कलर कर दिया। मैंने पूरे ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया कि वाटर कलर में कभी हम ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते, लेकिन हमने उसको काफ़ी डार्क एक अपीयरेंस दे दिया। और आप देख भी रहे होंगे एक हाईलाइट भी मैंने छोड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप एक आई को बता सके कि ये एक आई है, एक हाईलाइट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत लाइट है यहाँ पर, फिर भी एक हाईलाइट रहना अच्छा है। तो पूरे आई को कंप्लीट होने के बाद हम अभी आते हैं अपने पलकों पे। तो पलकों को पेंट करने के लिए मैंने बस एक हल्का सा ब्रंट सियाना में ब्लू मिक्स करके एक डीप कलर का ब्राउन बनाया, और उसके बाद मैंने अपने मिडल साइज वाले ब्रश से ही अपने आई लैशेस देने लगे। आई लैशेस देना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको डायरेक्शन का याद रखना पड़ेगा। आप अगर परफेक्ट डायरेक्शन दे दे तो वो देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी, बस आपके हाथ का थोड़ा सा कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम ब्रश यूज़ किया क्योंकि मेरी हाथ अभी बैठी हुई है और मैं आसानी से ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो तो आप पतले ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई लैशेस के बाद आप थोड़ी बहुत और अगर फिनिशिंग टचेस देना चाहे वो दे दीजिए। उसके बाद हमारा जो आई है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये लिख के हमें जरूर बताएगा अपनी कमेंट पे, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया, और अगर ना पसंद किया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट जरूर करके बताइए क्यों आपको ये ड्राइंग पसंद नहीं आई और क्यों आपने इस पर डिसलाइक किया, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपके पास और अच्छा कंटेंट ला पाए। थैंक यू एंड गुड बाय।